शिष्टता सभ्यता का हनन हो रहा, होती मानवता की कुछ कदर ही नहीं, आज मानव धर्म का पतन हो रहा। खोल करके पलक कोई झलक देख ले, दोष कलयुग की खूनी कहानी में है। धन प्रलोभन में जन जन ग्रसित हो गया, मद भरा प्यार उस खारे पानी में है। कहानी कहाँ का बाबूजी? कि जनपद आया जमगढ़, अरे ग्राम रतन पूरा वाम, अब बगल में भदुली बाजार हो। अब बुढ़िया पिंगला के बेटा आ गंगा जमुना रहले, अब बाबू गैलन स्वर्ग सीधार हो। बुढ़िया पिंगला दोनों बच्चों को लेकर के अपनी इस टूटे हुए दिन को बिता रही थी। बाबूजी मर गए लल, दोनों लड़का छोटे छोटे हुए, दिन बिता रहल बा। वही बीच में एक लाइन कवि जी तर्ज लहलन, तर्ज है बा कि अरे ऐ माना मेरी जा, अरे मोहब्बत सजा है के, अरे ऐ माना मेरी जा, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। विधवा बुढ़िया पिंगला कवि जी भाव ले हलन, बड़ा ऊंचा भाव बा के, अरे निहारा रवि को, निहारा रवि को झरोखे से चंदा, सितारों की डोली चली आ रही है। निहारा रवि को हो रही है, करुण ये कथा है कि व्यथा हो रही है, करुण ये कथा है, दर्द से ये छाती जली जा रही है। व्यथा हो रही है, कहानी का शुरुआत बा कि बुढ़िया पिंगला वह लाइन बा कि मुझे तो लूट लिया, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले वालों ने, कि बुढ़िया पिंगला की नाजुक समय आती है, बुला के गंगा जमुना दोनों को समझाती है। एकता का पर्दा बेटा बहुमूल्य होता है, बड़ा भाई सदा पिता के तुल्य होता है। बड़ा भाई सदा पिता के तुल्य होता है, बड़ा भाई सदा पिता के तुल्य होता है। छोटे बेटे को समझाती है कि अरे बेटा एकता का पर्दा बहुत बहुमूल्य हुआ करता है, इसलिए अपने बड़का लड़का के कहलस का कहलस का? कि कहीं गंगा से एगो सपन सजाई हा बेटा, कि छोटा भाई जमुना ओके पढ़ैया बेटा, कि इतना कहते कहते माँ का अंतक काल हुआ, कि दोनों का जीवन अंधेरे में तत्काल हुआ। पिता कुछ रोज
बिता कुछ रोज घर में दिव्य रोशनी आई, हुआ गंगा का गवन घर में दुल्हनी आई। अड़ोस पड़ोस के लोग मिल के सहायता कैलन, सहयोग कैलन। वो दोनों लड़कन के जौन बाब निराधार लड़कन के आधार दे के पढ़ा लिखा के जब सयान कैलन है, बड़का लड़का का शादी हो गई, दुल्हन आ गई। जब दुल्हन आ गई तो भाई साहब वो समय का प्रसंग अजीब होला, एक तर्ज यहाँ लग गई। तर्ज है बाब कि पिया मतल बाबा के यार पिया परदेसिया भइल हो रा। यही के लोग गावलन बदल के कि हम है मजनु का यार प्यार सिखलई भये गोरी। भाव लिखल गल जो समय दुल्हन घर में आ गई, तो भावरा लूट तरस धार खिलल कचनार कली के। कटली हो नजरिया छल के, कटली हो नजरिया छल के, कटली हो नजरिया छल के, पतली हो कमरिया छलके, पतली हो कमरिया छलके, पतली हो कमरिया छलके। बाबू या तुला उमड़ गैल प्यार हो खिलल कचनार कली के। भाई साहब वह बड़ा भाई जो है गंगा अपनी दुल्हन को समझाता है कि देखाई हमार छोट भाई ना है, सब कुछ बा दुनिया में दौलत से लेकर के माई बाबू का स्नेह श्रद्धा प्यार सब कुछ यही अपने भाई पर तो छोड़ दिले है। तो ऐसे दुनिया के हर एक आदमी के तकलीफ हो जाए अपने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारे भैया के कोनो तकलीफ न हो। यही इशारा कैलस एक लाइन यहाँ तर्ज लग गई मास्टर। तर्ज है बा समझा रहल बा अपने दुल्हन के बता रहल बा, इलाहाबादी मसल का टुकड़ा बा वह तर्ज बा कि अरे हमार कहाँ माना, कि अरे हमार कहाँ माना राजा जी, हमार कहाँ माना राजा जी, लंबे लंबे बाल उलझी मत जाना, अरे उलझी मत जाना राजा जी हो उलझी मत कई के अपने दुल्हन के समझावत हुन कहत हुन का कि दुलार खूब करिहा, दुलार खूब करिहा, बिरना कहो दुलार खूब करिहा, बिरना कहो दुलार खूब करिहा, बिरना कहो दुलार खूब करिहा। कि ऊ है बजिनगी हमार, ऊ है बजिनगी हमार हो गोरिया जिंदगी हमार। अरे दुलार खूब करिहा, दुलार खूब करिहा, बिरना कहो दुलार खूब करिहा, बिरना कहो दुलार खूब करिहा, बिरना कहो दुलार खूब करिहा। बेटा के समान, अरे बेटा के समान उनके करिहा या दरवा, चरा के छाए अरे धाम जब लगी है ओढ़ैया या चरवा, धाम जब लगी है ओढ़ैया या चरवा, धाम जब लगी है ओढ़ैया या चरवा। तो
छलकी जीवन में छलकी बहार हो रानी जी छलकी बहार हो दुलार खूब करिहा बिरना कह हो दुलार खूब करिहा समझा बुझा के अपने जवन बातों दुल्हन के आवाज भेलन कि देखिया कोनो तकलीफ मत हो दिया देखे हमार छोट भाई मत समझिया ये हमार जिंदगी बाम जान बा कही के जवन बा अपने तैयारी कर दिलन कि हम तो जात हई कमाए बदे ऊ कहाँ कमाए बदे कहीं दूर परदेश नाम बनारस में कमात रहलन नतीजा निकलल का एक लाइन तर्ज लगल गवैया लोग बड़े जोर शोर से गावत हूँ कि पकी गई ले खेतवा अरे लटकी गई ली बालिया खन किरे गौए नाल अब खन किरे गौए नाल आ गोरी के खेत खेत चूड़िया खन किरे गौए नाल चली हो भैलना भैया चली हो भैलना अब भैया काशी की नगरिया में चली हो भैलना कुछ दिन प्रदेश में बिताने के बाद नौकरी नहीं मिली पल्लेदारी एक हफ्ते तक किया उसके बाद लौट आया जब लौट आया है तो भाव कभी लिखे क्या कुछ दिन रहे परदेश में वह भाई घर पर आया 8 मई 1990 को भाई की लगन धराया आठ मई सन 1990 में अपने छोटे भाई की शादी रख दिया बगल के ही रहने वाले 10 किलोमीटर की दूरी के रहने वाले चक्रपानपुर के एक साथी आकर के शादी करने को मजबूर कर दिए तैयार हो गया लड़की वाले ने यह भी बता दिया था कि जो मेरी लड़की है इकलौती है जगह जमीन की जहां तक बात रही पूरे मेरे भी प्रॉपर्टी का मालिक यही लड़का होगा जो आपका भाई है बहुत खुश है वह बड़ा भाई गंगा अपने छोटे भाई के बदलते हुए भविष्य को देख करके एक लाइन कवि जी भाव लिख लन किया गर्व गंगा गरिमा से गरिमा दुल्हनिया से कहलन किया गर्व गंगा गरिमा से बात बिहस के बोला है अब भाई के सर से हरा चमकेगा दिल का पर्दा खोला है इस साल कमाई के बलबूते इस साल कमाई के बलबूते भाई का सपन सजाऊंगा मतभरी मेदनी मचलेगी धरती पर चांद उतारूंगा छोटके भैया का ब्याह बड़े धूमधाम से करत जमुना की प्रिया इकलौती है जमुना की प्रिया इकलौती है वह ससुर समा दर्शाएगा वह 4 बीघा खेत तब दहेज रूप में पाएगा दहेज में 4 बीघा जमीन भी मिली बड़ा खुश बा लेकिन दुल्हनिया के जिगर में ठे द्वेष का ज्वाला भभक गई कि अरे हिया भी 6 बीघा जमीन बा तो तुरंत तुरंत सवाल कर झलस की का जी वहां 4 बीघा पैबे करियन तो यहाँ के जमीन से कोनो मतलब ना उनसे रही डांट करके थप्पड़ चला दिया अपने दुल्हन को खबरदार दोबारा अगर ऐसी बात अपने जवान पे लाई यही तू प्यार करती है दिखावा प्यार करती है मेरे भाई से मेरी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है देगा तो उसके टुकड़े पे अपनी जिंदगी बिता लूंगा वरना अपने आप को भीख मांग मांग के जी लूंगा लेकिन कभी भी उसके प्रॉपर्टी पे उसकी हस्ती खेलती दुनिया पे अपनी नजर और अंगली उठाने की जरूरत मत करना सोच गई कह रहे वाह गजब की बात है तर्ज यहाँ लगल जवन की पहले पहले बिरहा में सुने के आप लोगों के बहुत मिलल कि मोरे पीछा वारावा सोनरवा कही दुकानिया यही तर्जवा के जवन बात तनी सा उड़ान टुकड़ा दे के गवैया लोग गावत हुन कैसे उड़ान टुकड़ा दे के गावत हुन कि मुहे पान जान मारे खटकी निया न कहे मुहे पान जान मारे खटकी निया न कहे मुहे पान जान मारे खटकी निया
चोली चुस्त बाडी बंद बरइनिया न कहे चोली चुस्त बाडी बंद बरइनिया न कहे चोली चुस्त बाडी बंद बरइनिया न कहे आ कमर मोट रान छोट ब भरी निया न कहे हो बड़ी नीक लागे गीत कोई रिनिया न कहे बड़ी नीक लागे गीत कोई रिनिया न कहे बड़ी नीक लागे जरासाम मनोरंजन बदे रहल हई बिरहा के लाइन बा वही तर जवाब बा मोरे पिछवरवा सोनार के दुकनिया आवाज दलन का आवाज दलन कि सोचले पपिनिया दिल में लागल बाया गिनिया लागल बाया चाद क्या या जोरिया में ना कि बन के बदरी छिपाई बा यही अचारी में ना बन के बदरी छिपाई बा यही अचारी में ना बन के बदरी छिपाई बा यही अचारी में ना बन के बदरी छिपाई बा सोचत बा कि थप्पड़ तो चला देला हमार बाबूजी भी शादी कैले हुवन तो यह जगह जमीन देख के कैले हुवन तू भैया वाला भयल हुआ तो कदाप हमें के माफ न करब ऐसे कि रही है ना बास ना ही बाजी है बसूरिया अयहू जक दौलत अयहू जक दौलत लेके रही ससुरारिया अपने कटारिया में ना अब कटारिया में ना अब कटारिया में ना हो बन के बादारी छिपाई बा यही अचारिया में ना बन के बादारी छिपाई बा यही अचारिया में ना बन के बादारी छिपाई बा यही अचारिया में ना बन के बादारी छिपाई बा इतना आवाज देने के बाद चली जाती है घर में और वह भाई भी चल दिया गंगा दोबारा नौकरी की तलाश में चल दिया है दो चार पांच महीने की समय व्यतीत हुई इसी के बीच में कवि जी भाव टेरी के लहलन कि अरे चंदा का जीवन फंदा में फंसा हाँ चंदा का जीवन फंदा में फंसा रजनी बनी निशाचर दिल दिमाग कर गंदा रजनी बनी निशाचर दिल दिमाग कर गंदा चंदा का जीवन फंदा में फंसा लेकिन एक दिन के बाद भाई साहब स्कूल से आ करके मात्र चार महीने तो भैया को हुए हैं प्रदेश में गए हुए स्कूल से आ करके वह लड़का घर में सो गया कुछ तबीयत गड़बड़ थी भाव कभी जी लिखलन कि ठीक दुपहरिया में अब जमुना सुतला रहा अब पहुंची लेके हाथ में कटारा सरिया अगतर गतर बाधी अदेहली सरिया हो तड़ल चाहे बबुआ के आखी के पुतरिया लेकिन रोई रोई जमुना बचनिया सुनाव न लागे माई का जनाजा उठल नन्हा मरिया नन्हा मरिया में अब भौजी भुलाई गईलू नन्हा मरिया में अब भौजी भुलाई गईलू मासूमऊ मरिया के खेवलू पातावरिया चढ़ गई है सीने पर और रो रो करके यही आवाज दे रहा है वो लड़का एक लाइन तर्ज लग गल तर्ज है बाम कि लैला मजनू दो बदन एक जान है रोई के लड़का कलस की भौजी ऐसा मत करा मारा मत हमके आवाज देता है क्या? अगर कोई बचाने वाला है तो बचा लो भाव कभी लिखलन का कि किस जहां में
किस जहां मेरा राम तेरा देश है। आवाज दिया, भौजी ऐसा मत करा। बार बार रो करके अपने भौजी के पांव को छूता है, लेकिन उस पापिन के दिल में पाप की एक ऐसी धारा प्रवाहित हो चुकी है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। नतीजा कवि जी लिखलन काम कि अरे दिल दिमाग, अब दिल दिमाग पर किया पाप या सवारी नारी भैया के, असवारी नारी भैया के, खास देवर कल हली गला उतारी नारी भैया के, उठाती है चला देती है। तो भाव कवि जी लिखलन का कि भूल गई परिभाषा नागिन त्रेता युग में सीता की, अनूर धूर में मिला दिया है रामायण और गीता की, छिपा दिया है रस्सी और कटारी नारी भैया के, उन्हें कोई पुकारे आके खड़ा दुआरी नारी भैया के। गर्दन काटती है, काटने के बाद सोचती है इस लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है। उसी वक्त दरवाजे पर आकर के कोई दस्तखत दे दिया, आवाज दिया जरा दरवाजा तो खोलो। भागते हुए आवाज को लाश को बोरे में रख करके छिपा देती है अंदर घर में। लेकिन अब कवि जी भाव लिखलन का कि तब तक दूसरी आवाज उसके कान में पड़ी सुनाई हो, तुरंत पिशाचन बोरे अंदर बबुआ की लाश छिपाई हो, मुड़ी फेंकी पड़ो है मैं बिसधारी नारी भैया के, खोल दिया है जाके तुरंत केवाड़ी नारी भैया के, खोल दिया है जाके तुरंत केवाड़ी नारी भैया के, खोल दिया है जाके तुरंत केवाड़ी नारी, खोल दिया है जाके तुरंत नारी भैया, खोल दिया है जाके तुरंत केवाड़ी नारी भैया, नारी भैया के, खोल दिया है जाके तुरंत केवाड़ी नारी भैया के, खोल दिया है जाके तुरंत केवाड़ी नारी भैया के। जा करके दूसरी आवाज सुनने के बाद सब लाश छिपाने के बाद मुड़ी जो है पड़ोहे में फेंक देती है अंदर। फेंकने के बाद जाती है झटके से दरवाजा खोलती है, कौन है आवाज देते हुए दरवाजा जब वहीं खुलती है तो वहीं नतीजा निकल का अलग लाइन का कि अरे टमाटर के मामा तमिल भाभी के जियारावा ये भैया, लक्ष्मी स्वरूप होला भाभी अवतार, लक्ष्मी स्वरूप होला भाभी अवतार, लेकिन माई के बिना ना कोई कारी है अदारवा ये भैया, कोई आदर ना करी दुनिया में चाहे कितनो लोग रही हैं। ये लिए कवि जी का कहनाम बा का कि खुलल दरवाजा जा गंगा घरवा में आई हो गई ला, सदरा लाके लाइन लग गई कि अब खुलल दरवाजा जा गंगा घरवा में आई ला, गरिमा से कहा कहा बीरा ना हमार, अब शर्ट पैंट जूता मोजा भैया के ली आई ली, खेला बदे गेंद एक ली आई ली उपहार, तब से हाथ हवा से भैया गेंद छुट्टी गई ले, गेंद ना बदना वही में गिरल सरकार, अब भैया के भेंट जब निकाले चलना भैया, अब नहीं न सर पाए दिल दिया जा।
दूसरी नबदान में हाथ से छूट करके चला गया। जो वहीं झुक करके अपने भैया की भेंट को वह भैया निकालना चाहता है कि हाथ में गेंद के अलावा आकर के वही सर जो है चिपक गया, निकाल लिए। निकालने के बाद मुहे पर का खून रो रो के पोछत हुआ, आवाज ढलन लक्ष्मण गवा के, एक आवाज ढलन का कि अब लक्ष्मण के गवा के अमन मनाई कैसे, अकर्मी पर थूकी जमाना मुंह दिखाई कैसे, नदिया किनार हो, अब माझी को बोला के भैया नैया पर सवार हो, माझी के बोला के भैया नैया पे सवार हो, माझी के बोला के भैया नैया पे सवार हो। सोचा भैया जमुना के लगाई कैसे, सोच गया हुआ भाई कि जो ने भैया के बदे कौनो काम दुनिया को उठा ना रख ली, आज वो भैया के हमारे आँख के सामने से लोग दूर करत हुए, बर्दाश्त नहीं कर पाया और किया क्या क्या कि जमुना को गिराए लोग जब की जलधार हो, कूद गया गंगा सो कितना दिया के धार हो, कूद गया गंगा सो कितना दिया के धार हो, कूद गया गंगा सो कितना दिया के धार हो। अब भाई ओ के भाई लगाई कैसे, अकर्मी पथु की जमाना मुंह दिखाई कैसे, आखिर लोग बिल्कुल उस लाश की तरफ ही दिमाग कर दिए। इतने में जो है उस भाई के साथ ही वह भी कूद पड़ा, एक पत्थर का बोटा उस मरे हुए लाश में बांधा हुआ था, उसी बोटा को पकड़ करके और अपनी बाहों से छान लिया। बोटे के दबाव से वह लाश तो नीचे गई ही, साथ साथ वह भाई भी अपने भाई के साथ इस दुनिया से अलविदा हो गया। कह नाम कवि जी लिखलन कि गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, स्वर्ग गए चंद्र का कवि अब आंसू बहे कलम से हो, चंदा का जीवन फंदा में फंसा, विदई प्यार लाल हो गया जमाना अंधा, चंदा का जीवन फंदा में फंसा।